नववर्ष को लेकर सभी लोगों में उत्साह है, चाहे वो आम हो या खास हो। नववर्ष के दिन पूजा अर्चना का बेहद महत्व होता है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे डोरांडा और मनीटोला स्थित मां मनोकामना काली मंदिर में। मौके पर रफ्तार मीडिया के संवाददाता सौरभ राय से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए। इस बीच हमारे साथ अभी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। सर, आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या अपील करें और आपके पूरे टीम को, रफ्तार की पूरी टीम को नववर्ष की शुभकामना। सर, लोगों से क्या कहेंगे नववर्ष के अवसर पर? नए वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ हम सब मिल करके झारखंड को विकसित करने का संकल्प, और आज माँ भगवती की आराधना भी हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, देवालय में लोग पूजा जा करके कर रहे हैं, और पूरा समृद्धशाली झारखंड, विकसित भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, उसके प्रति भी हम सब लोग एकजुट होकर के काम करने का भी संकल्प लें। क्या मनोकामना रही सर माँ से? भारत प्रधानमंत्री जी के हाथ में एक नया भारत की ओर बढ़ रहा है, झारखंड भी उसी दिशा में आगे बढ़े, यही मेरी माँ से मनोकामना है। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि माँ भगवती से दर्शन कर इन्होंने राज्य के अच्छाई के लिए कामना की। रफ्तार मीडिया संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ रांची।